वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम गुणा का एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को आप अंत तक देखें। मेरा मानना है कि अगर आपको गुणा आता है तो किसी भी मैथ को बनाने में आपके टाइम की बचत होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका है ना कैलकुलेशन फास्ट नहीं होने के चलते वो तो मैथ तो बनाते हैं लेकिन उनका मैथ जो है बनाने में ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण बहुत सारे मैथ एग्ज़ाम हॉल में छूट जाते हैं। तो इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है, जिसमें हम आपको गुणा करने के एक बेहतरीन ट्रिक से रूबरू कराने वाले हैं जो आपके लिए कारगर होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, है ना। गुणा का मैं बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक मैं लाऊंगा जो आपके लिए कारगर साबित होगा, जो आप में जान पैदा करेगी। कोई भी कैलकुलेशन आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ एक लाइक भी करें। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपने आपने थंबनेल में देखा होगा, लिखा है कि एक बार हटा के एक बार सटा के, उसी तरह से यहाँ पे भी हमने लिखा है कि गुणा करने का हॉट ट्रिक एक बार हटा के एक बार सटा के। आखिर इसका मतलब क्या है, क्या चीज है, सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी संख्या हो उसको आपको 11 से मल्टीपल करना है, 11 से गुना करना है, तो कैसे गुना करते हैं आइए इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। जैसे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए 35 है, इसमें हमको 11 से गुना करना है। बहुत ईजी होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, मैंने आपको लंबा वृद्धि नहीं करना है, आप दोनों को साइड में कर दें और इन दोनों को देखिए एक बार हटा के, एक बार दोनों को हटा दिया फिर एक बार सटा दो, तो 5 3 8 यही होगा, हो गया आपका मल्टीप्ला, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो जैसे 43 है और इसमें 11 से गुना करना है, तो एक बार हटा दो फिर एक बार दोनों को सटा दो, तो 4 3 473 हो गया ना। आइए इस कैलकुलेशन को हम जांच करते हैं कि क्या ये मेरा सही है कि नहीं। तो देखो मान लो 43 में आप 11 से गुना करते हैं, तो 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 7 4 आया है ना। तो आप कोई भी है ना ये दो अंकों की संख्या को 11 से गुना करना हो या इससे ज्यादा कोई भी अंक हो उसको भी आप कर सकते हैं। आइए मैं एक और क्वेश्चन को बड़ा करके दिखाता हूँ, बहुत इजी लगेगा, बहुत मजा आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 3 4 5 6 कोई ठीक नहीं 11। देखो मेरे प्यारे फ्रेंड्स करना क्या है कैसे, देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 5 11 हासिल 1, 5 4 9 एक हासिल पहले वाला है तो 10 10 हुआ, 10 इसमें जोड़िए, 4 3 7 एक हासिल 8 और फिर इसको लिख लीजिए, हो गया ये गुना, है ना इजी। आइए इसको भी जांच करके हम दिखाते हैं कि क्या ये गुना सही है ना। जैसे 6 5 1 5 4 1 4 3 फिर यहाँ 6 5 4 3 आप ऐड कीजिए, 6 6 5 11 5 4 9 1 10 4 3 7 1 8 38। देखिए इतना लॉन्ग है, इसमें थोड़ा सा समय लगा लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है ना इजी। और भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत इजी लगेगा। कोई भी मैथ को आप फास्ट कैलकुलेशन के माध्यम से कर सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितना भी लार्ज नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं। और आपके सामने 11 है, 11th है, उससे आपको गुना करना है, बहुत मजा आएगा। आइए दिखाते हैं इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, है ना। सभी लोग इसको समझिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, है ना। एक बार आप समझ गए तो कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए आपको मैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं ना कोई ट्रिक हो, आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना से 11, देख सकते हैं इतना बड़ा है, कुछ भी नहीं है, आप सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। देखिए पहला लिख लीजिए फिर इसको पिछले वाले के साथ ऐड कीजिए, है ना, 2 लिख दिया तो 2 6 8 लिख दिया, फिर इसको जो ऐड कीजिए 9 6 15 हासिल 1 हो गया, फिर इसको जोड़िए 9 6 15 एक हासिल पहले से 16 हो गया 7 6 13 एक हासिल और है 14 8 7 15 एक हासिल और है ना 8 7 15 एक हासिल और है तो 16 और अब लास्ट में जो है 8 है उसमें एक और जोड़ दीजिए हासिल 9 यही आएगा, हो चुका है मल्टीप्लाई। क्या आपको डाउट है तो आइए चेक करके देखते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो 2 6 9 6 7 8 फिर यहाँ से 2 6 9 6 7 8 जोड़िए 2 6 2 8 9 6 15 एक 16 9 6 15 1 16 7 6 13 1 14 8 7 15 1 16 8 1 9 है ना। देखिए मैंने यही गुना लाया 9 6 4 6 5 8 2 9 6 4 6 6 5 8 2 है ना। कोई भी संख्या हो कितनी बड़ी है, देखिए आगे एक और दिखाते हैं, ठीक है 5 6
सात कुछ भी लिख लिया यहाँ पे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ईजी है, देखते रहिए। सबसे पहले पहली संख्या को लिख दीजिए, पहली को लिख देना है, हटाने का मतलब पहली को हटा देना है। फिर इसको ऐड करो, 7 6 13 3 हासिल 1 हुआ। फिर इसको ऐड करो, 6 8 14 पहले से एक हासिल है, 15 हासिल फिर 1 हुआ, 8 5 13 एक हासिल पहले से, 14। अब लास्ट वाला को जरूर लिखना होता है, लेकिन एक हासिल आ चुका है तो उसमें एक बढ़ा के, यही तो होगा गुना। समझ में आ रहा है? एक बार आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कैसा लगा ये ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसका जवाब आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करके कमेंट में देना है, ठीक है। 9 6 7 8 का गुना 11 से, है ना, 9 6 7 8 का गुना आपको 11 से करना है। अगर आप इसको गुना आपको आ रहा है तो इसको ट्रिक समझ में आ गया तो इसका फटाक से आप कमेंट में सोल्यूशन करके बताएंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने जो कुछ भी ट्रिक बताया वो आपको समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर, ताकि इस तरह के बहुत सारे, है ना, ट्रिक फॉर्मूला, है ना, और कैलकुलेशन फास्ट करने का ट्रिक आपको मिलता रहे। आई होप डैट कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सभी लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे, दोस्तों और साथियों में भी शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कमेंट के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा इस ट्रिक के बारे में कैसा लगा आपको। एवरीवन, जरूर जरूर आपके इंतजार रहेगा कमेंट का, एवरीवन, ठीक है।